जल्द भारत आने वाले हैं 4 राफेल एयरक्राफ्ट। 2022 तक होगी सभी 36 राफेल विमानों की डिलीवरी। जल्द शुरू हो जाएगी 10 पायलट, 10 फ्लाइट इंजीनियर्स और 40 टेक्नीशियंस की फ्रांस में ट्रेनिंग। लेकिन इसी बीच भारतीय वायुसेना ने काफी समय से रुके हुए मेक इन इंडिया के 2 प्रोजेक्ट्स को भी पूरा करने के लिए कमर कस ली है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के इन दोनों प्रोजेक्ट्स के तहत भारतीय वायुसेना को 170 एयरक्राफ्ट मिले हैं। टाटा एयरबस के कंसोर्टियम के तहत इसी साल 56 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को मिल सकते हैं, जबकि बाकी के 114 फाइटर जेट अगले कुछ सालों में वायुसेना के बेड़े में शामिल होंगे। राफेल की डिलीवरी के बीच इन 114 फाइटर जेट को सेना बहुत ही जरूरी मान रही है। दरअसल 36 राफेल के आने के बाद भारत में बना तेजस और ये राफेल मिलकर भी देश की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। बड़े पैमाने पर विमान वायुसेना से रिटायर भी किए गए हैं। ऐसे में मेक इन इंडिया के इन दोनों प्रोजेक्ट्स को वायुसेना बेहद ही अहम मान रही है। इसीलिए वायुसेना 114 फाइटर जेट्स के प्रोजेक्ट्स के रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के लिए भी कोशिश कर रही है, जो कि 2019 के अंत तक या फिर 2020 की शुरुआत तक जारी हो सकता है।